डेली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नो फॉर टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों यूएसबी सी टाइप केबल क्या है और इसको आपको क्यों यूज करना चाहिए, तो इसका क्या क्या एडवांटेज है, इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यूएसबी सी टाइप क्या है। दोस्तों यूएसबी सी टाइप जो यूएसबी ए, यूएसबी बी, यूएसबी सी, यूएसबी ए कौन सा है जो आपको सभी यूएसबी केबल में आपको दिख जाएगा, कुछ इस टाइप का जो मेरे पास यहाँ पे है, जो एक केबल देख सकते हैं जो एक प्रिंटर का केबल है, जो है यूएसबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूएसबी का केबल कैसा है, और यह है यूएसबी का केबल, और यूएसबी बी जो है कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूएसबी प्रिंटर का केबल है, और यूएसबी सी केबल कुछ इस टाइप का होता है, और यूएसबी जो सी केबल है ये 24 पिन का जो केबल होता है। तो यूएसबी ए, यूएसबी बी और यूएसबी सी, और आपका जो मोबाइल का जो पिन है माइक्रो यूएसबी, वो यूएसबी टाइप बी का ही एक माइक्रो यूएसबी है, और यूएसबी जो मिनी जो है, जो अभी कभी कभी आप देखोगे जो MP3 में या MP4 में आपको पोर्ट देखने को मिल जाता था। तो इसके जो ये सब टाइप है यूएसबी ए, यूएसबी बी, यूएसबी सी, यूएसबी सी जो टाइप है, धीरे धीरे यूएसबी सी टाइप जो केबल है वो सभी डिवाइस में आ रहा है। तो यूएसबी जो सी टाइप केबल है इसके क्या क्या एडवांटेज है मैं आपको ये बता देता हूँ। यूएसबी सी टाइप जो केबल है आप दोनों साइड से आप लगा सकते हैं, आपको देखना नहीं होगा जो आप कौन साइड पे लगा रहे हैं। नॉर्मली जो यूएसबी पिन में, जो आपका मोबाइल पिन में क्या होता है, आपको देखना पड़ता है कौन सा सीधा है, उसके बाद मोबाइल पे आप लगाते हैं, मगर यूएसबी सी टाइप में आपको देखना नहीं पड़ेगा। आप उल्टा भी करोगे तो और सीधे भी करोगे तो कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कोई भी एक साइड आप लगा सकते हो और आपका मोबाइल को चार्ज या डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो, और इसमें आपको 100 वाट का आपको पावर सप्लाई आपको मिल जाता है, तो काफी अच्छा पावर सप्लाई आपको मिल जाता है, तो काफी सही है। नॉर्मली जो आपको लैपटॉप में पावर सप्लाई मिलता है जो 60 या 70 वाट का पावर सप्लाई आपको हो जाता है, इस केबल से 100 वाट का पावर सप्लाई आप कर सकते हो। और दोस्तों जो यूएसबी टाइप सी जो पोर्ट है धीरे धीरे सभी डिवाइस पे आ रहा है, तो फ्यूचर में आपको सभी डिवाइस के लिए अलग अलग आपको डेटा केबल आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा, एक ही डेटा केबल कैरी करोगे तो सभी डिवाइस का काम कर जाएगा, तो आपको अलग अलग डेटा केबल कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो एक ही डिवाइस पे आप चार्जिंग कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, सब कुछ एक ही डेटा केबल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, तो काफी सही रहेगा। और अब देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, जो लैपटॉप के लिए एक होता है, आपका मोबाइल के लिए एक होता है, आपके पास आईफोन है तो आईफोन के लिए एक होता है, मगर अभी धीरे धीरे सभी डिवाइस पे यूएसबी सी टाइप आ रहा है। दोस्तों इसके जो स्पीड है 10 GB/s है, कभी कभी आप देखोगे जो आपको यूएसबी टाइप सी होने के बाद भी आपका जो स्पीड है वो काफी स्लो है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जो आप बहुत लोग क्या होता है जो कंफ्यूज हो जाता है, जो 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 ये जो वर्जन है, एक यूएसबी का एक वर्जन आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जो प्रोसेसर होता है इंटेल का i5 प्रोसेसर का 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, तो ऐसा प्रोसेसर जनरेशन होता है, ऐसा ही वर्जन जो है यूएसबी टाइप सी का ही आप 2.0, 3.0, 3.1 एक वर्जन आप कह सकते हो। जितना वर्जन आप ऊपर जाओगे उतना ही स्पीड आपका बढ़ेगा। दोस्तों जो 1.0 जो पहले जो वर्जन जो ज्यादा यूज होता था, तो उसका जो स्पीड है 12 Mbps, और जो 2.0 उसका जो स्पीड है 480 Mbps, और जो 3.0 है वो 5 GB/s, और जो 3.1 है वो है 10 GB/s। दोस्तों यूएसबी सी टाइप होने से जो आपको फास्ट सर्विस देगा ऐसा नहीं है, जो आपको वर्जन भी आपको देखना पड़ेगा जो कौन सा वर्जन है। आपका 3.1 वर्जन है तो काफी सही है, 10 GB/s आपको दे देगा, और स्पीड भी काफी सही भी है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा जो यूएसबी सी टाइप पोर्ट क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, और दोस्तों आपको यूज करना क्यों चाहिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और दोस्तों आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहली बार देखो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दीजिए, उससे क्या होगा मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।